जिला सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने दिवाली के समय में मिठाइयों की दुकानों से सैंपल भरे थे, जिसके चलते मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया था। शहरवासी भी इस कार्यवाही को बहुत अच्छा मान बैठे थे और उन्हें उम्मीद थी कि अब उन्हें जल्द पता चल जाएगा कि कौन सी मिठाई खरीदे ताकि उनके स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ ना हो। लेकिन हद तो ये है कि ग्राहक मिठाई खाकर हजम भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मिठाई के सैंपलों की रिपोर्ट नहीं आई है। जिला सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने दिवाली के समय में मिठाइयों की दुकानों से सैंपल भरे थे, चलते मिठाइयों विक्रेताओं में हड़कंप मच गया था। शहरवासी भी इस कार्यवाही को बहुत अच्छा मान बैठे थे और उन्हें उम्मीद थी कि वे कौन सी मिठाई खरीदें ताकि उनके स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ ना हो। लेकिन हद तो ये है कि ग्राहक मिठाई खाकर हजम भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मिठाई के सैंपलों की रिपोर्ट नहीं आई है। इस कार्यवाही को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये सैंपल महज खाना पूर्ति के लिए ही लिए गए थे और अगर इन सैंपलों की रिपोर्ट खराब भी निकलती है तो विभाग केवल दुकानदार पर मामला दर्ज कर जुर्माना लगाकर अपनी इतिश्री कर लेगा। लेकिन इस कार्यवाही से ग्राहक को तो फिर भी वही खराब मिठाई खाने को मिली, तो ऐसे में इस कार्यवाही का क्या फायदा। जब इसके बारे में असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी एलडी ठाकुर सोलन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिवाली के समय में उन्होंने दुकानों से मिठाइयों के सैंपल भरे थे जिन्हें किंडरगार्ट लेबोरेटरी में निरीक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन अभी तक वहां से उन्हें कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि जब भी सैंपल लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं तो 14 दिनों में उन्हें रिपोर्ट मिलनी चाहिए, जिसके लिए वे 15 नवंबर तक इंतजार करेंगे और अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो वे इसके बारे में फूड विश्लेषक को सूचित करेंगे। जो सैंपल हमने दिवाली के दौरान लिए थे वो उनकी रिपोर्ट अभी तक हमको फूड एनालिस्ट से मिली नहीं है और ये जो एफएसएस एक्ट के तहत जो सैंपल हम एनालिसिस के लिए भेजते हैं उसमें 14 वर्किंग डेज के अंदर अंदर फूड एनालिस्ट को रिपोर्ट भेजनी होती है। अगर 15 वो डेज वर्किंग डेज जो थे बीच में बहुत छुट्टियां थी तो 15 नवंबर तक अगर कोई भी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं होती है तो हम इस बारे में फूड एनालिस्ट को लेटर लिखेंगे और जैसे ही रिपोर्ट आती है और जो भी कार्रवाई नियमानुसार बनेगी, कोई सैंपल अगर सब स्टैंडर्ड या अनसेफ आता है तो उसकी कार्रवाई हम करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।